बम बोली की जयकारों के साथ जहां अमरनाथ सेवा मंडल की ओर से अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना किया गया, वहीं एक दर्जन से अधिक स्वयं अमरनाथ यात्री यात्रा के लिए रवाना हुए। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले नगर क्षेत्र से रवाना हुए अमरनाथ यात्रियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें नगर के करहल रोड स्थित संगर नगर भगवान भोलेनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। अलग सुबह ही 14 अमरनाथ यात्रियों को उत्साह और उल्लास के साथ फूलमाला पहनाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी यात्रियों में गजब का उत्साह और बाबा बर्फानी के दर्शन की ललक दिखाई दे रही है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शिवम चौहान के संयोजन में यह सभी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं, जिनको नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने फूलमाला पहनाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया है। अब दूसरी ओर तस्वीरें अमरनाथ सेवा मंडल की ओर से भेजे गए दूसरे जत्थे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए चांदेश्वर मंदिर से 9 सदस्यों के जत्थे को श्री अमरनाथ सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने तिलक कर पटका पहनाकर रवाना किया। दर्शन यात्रियों ने शिव मंदिर में पूजन किया, प्रसाद वितरण के साथ जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। शुक्रवार साय चांदेश्वर मंदिर से अमरनाथ यात्रियों के दूसरे जत्थे को श्री अमरनाथ सेवा मंडल के जिला अध्यक्ष दिगेंद्र मिश्रा मीतू ने ओम नमः शिवाय के तिलक कर पटका उड़ाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित कर सभी यात्रियों को दक्षिणा देकर विदा किया। अमरनाथ सेवा मंडल के संरक्षक राम गोपाल दीक्षित, प्रबंधक देवेंद्र मिश्रा, महासचिव शिवम पाठक व श्याम कुमार दुबे ने मिठाई खिलाकर तिलक किया। दर्शन यात्रियों के जत्थे का नेतृत्व श्री अमरनाथ सेवा मंडल के उपप्रबंधक मुकेश यादव कर रहे हैं। कहाँ के लिए रवाना? ये श्रृंगार नगर वार्ड से हमारे 14 तीर्थयात्री भगवान श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जाकर के लोक कल्याण की कामना करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। ये लोग किसी संस्था के तहत जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं? नहीं, ये लोग अपने एक समूह बना करके कोई संस्था के द्वारा तो जा नहीं रहे, अपने स्वप्रेरणा से ये लोग इकट्ठे हुए हैं। चौदह लोग यहाँ से हैं, ये जा रहे हैं।